क्या 12 अगस्त को रात नहीं होगी? क्या 12 अगस्त की रात में भी दिन की तरह उजाला होगा? क्या 12 अगस्त से सृष्टि का उल्टा चक्र शुरू हो रहा है? जी हाँ, फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक में इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही है। सबूत के तौर पर कई जगहों पर अखबारों की कटिंग भी शेयर की जा रही है। इन वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 12 अगस्त को रात होगी ही नहीं। दावा ये भी है कि 96 साल पहले भी ऐसा हुआ था और अब एक बार फिर से ऐसा होगा। 12 अगस्त को रात न होने का दावा करने वाले मैसेज में नासा का हवाला देकर कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा चमत्कार हो रहा है। इस दिन से सृष्टि का उल्टा चक्र शुरू हो रहा है। साथ ही ये दावा भी किया जा रहा है कि जिसने भी रात में दिन जैसा ये नजारा देखने की कोशिश की, उसे भयंकर नुकसान होगा। लेकिन इसका सच क्या है? क्या ये पूरी तरह झूठा मैसेज है या फिर इस मैसेज की कोई सच्चाई है? क्या सच में सृष्टि 12 अगस्त को अपनी चाल बदलने वाली है? क्या सच में सूरज 12 अगस्त की शाम को ढलने से इनकार कर देगा? तो इंडिया न्यूज वायरल आपके सामने इस मैसेज की असली सच्चाई लेकर आया है। ध्यान से सुनिए कि आखिर 12 अगस्त की रात होगा क्या। नासा के मुताबिक 12 अगस्त की रात को मेटियोर शावर यानी कि उल्का बारिश होगी। उल्का बारिश में आसमान से चमकती उल्काओं के कई पिंड गिरते हैं। ये उल्का पिंड एक के बाद एक जब आसमान से गिरते हैं तो उजाला छा जाता है। इसी वजह से रात में थोड़ा उजाला दिखेगा। ये सच नहीं है कि 12 अगस्त को रात होगी ही नहीं, लेकिन हाँ, उल्कापात की वजह से रात में थोड़ा थोड़ा उजाला होगा। साथ ही हम यहाँ ये भी साफ कर दें कि इतिहास का सबसे बड़ा उल्कापात नहीं होने वाला है। इससे पहले भी कई बार मेटियोर शावर की घटनाएं हो चुकी हैं, जब रात में अचानक से उजाला छा गया। लिहाजा इसमें चमत्कार जैसी कोई बात नहीं है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और आप बड़े आराम से निश्चिंत रह सकते हैं। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।